हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी आज देखिए मैंने ये सर्फ एक्सेल का बॉक्स रखा हुआ है बड़ा सारा। तो देखिए जी आज हम इसका क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह ही हमारे काफ़ी बॉक्स होते हैं घर में जिनको हम देखिए इस तरह यूज़ कर एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह मेरे पास एक पीस पड़ा था कपड़े का, तो देखिए पीस भी काम आ जाएगा और आज हमारे इस सर्फ एक्सेल के बड़े सारे मजबूत बॉक्स को भी न्यू लुक मिल जाएंगे। तो जी करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स पहले मैंने बॉक्स की ना लंबाई और चौड़ाई लेंथ ब्रेथ नाप ली है। तो इसकी जी लंबाई है नीचे से 12.5 इंच और चौड़ाई है 9 इंच। तो फ्रेंड्स उसी हिसाब से मेजरमेंट ले लिया है और साइडों में पहले थोड़ा सा कपड़े को बराबर कर लेते हैं इधर से, और उसी अकॉर्डिंग ही अगर हम फ्रेंड्स हमारा मेजरमेंट सही होगा तो हम बिल्कुल जो भी बनाना चाहते हैं एकदम परफेक्ट बनेगा। तो जी ये देखिए बस 9 इंच चौड़ा पे निशान लगा लेंगे चौड़ाई पे, और ये बॉक्स का नीचे का एक बार का नापा है मैंने, तो 9 इंच चौड़ाई होगी और 12.5 इंच इसकी मैं लंबाई पे निशान लगा दूंगी। तो ये देखिए जी एक बॉक्स बिल्कुल सेम नाप का हमारा बनकर देखिए कपड़ा एक पीस है वो हमारा ऐसे मिल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह 12.5 इंच लंबाई का और 9 इंच चौड़ाई का सबसे पहले हमने एक ये देखिए, तो एक बार मैं इसको फिर नाप कर देख लूँगी। तो इस तरह एक पीस हमारा तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए इसके ऊपर रखकर मैंने देख लिया है बिल्कुल सही आया है हमारा पीस जो कट किया है। अब जी साइडों में से एक बड़ा इस तरह स्ट्रिप्स काटेंगे, ये देखिए 8 इंच है ये साइडें इसकी, तो 8 इंच मतलब 4-4 इंच फोल्ड कर एक ऐसी पट्टी तैयार करूंगी जो मतलब बॉक्स के चारों साइडों पे मतलब इस तरह आ जाए। तो इस तरह जी बस कपड़े को रखा है, पहले इसको नाप लेते हैं कितना है। इधर से हमने पूरा पीस इस तरह देखिए इसकी चौड़ाई लेनी है 8, तो 4-4 इंच की पट्टी सी मतलब हो, इस तरह 8 का फोल्ड करेंगे तो 4-4 हो जाएगी। ये देखिए 8 पे निशान लगा लिया है और फिर हम इसको फोल्ड कर देंगे तो ये मतलब फोल्ड होकर 8 का 4-4 हो जाएगा। तो ये देखिए जी फ्रेंड्स देखिए कटिंग सारी हो चुकी है, ये ऊपर रख के मैं दिखा रही हूँ आपको, और इधर साइडों में से देखिए 4-4 फोल्ड कर दिया है, 8 इंच का है। तो इसको एक बार फिर नाप कर मैं आपको लगा कर बता देती हूँ जी। इस तरह देखिए हमारा एकदम परफेक्ट है, बस इसको स्टिच कर देंगे और ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है जो हमने निकाला है तो फ्रेंड्स इस तरह देखिए उसको इसके साथ हम अटैच कर देंगे। ये देखिए तो इसको इसके साथ अब स्टिच कर देते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स क्या करना है कि साइडों में ये देखिए इसको मैंने एक बार जो 8 इंच का है साइडों वाला बड़ा लिया है हमने जो, उसके मैं साइडों में लेस लगाऊंगी। तो देखिए मोटी मेरे पास यही थी एक, तो वो मैं पूरा ये राउंड कंप्लीट कर देती हूँ, तो एक साइड में ये मोटी लेस लगाऊंगी। Thank you.
देखिए अब जी लेस लग चुकी है, सारा राउंड कंप्लीट कर दिया। इसके बाद जो बॉक्स काटा है हमने 12.5 और 9 इंच चौड़ाई वाला, उसको बस अब चारों तरफ से हम जोड़ देंगे। और इधर ध्यान रहे जो लेस लगानी है, इधर जो ऊपर का पार्ट है जो रिक्टेंगल साइज का, तो उसको हमने इस तरह अटैच करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये सारा राउंड इस तरह देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, इसके ऊपर रखकर इस तरह कंप्लीट कर देंगे। इतना हो गया, तो ये एक बार फिर मैं नाप लूँगी सारा भी, कपड़ा हमारा वध नहीं है। ये देखिए जी, इधर लंबाई चौड़ाई से ऐसे हम स्टिच करते जाएंगे इसको कुछ इस तरह। तो इस तरह जी एक मतलब हमारा बहुत ही सुंदर एक कवर बनकर रेडी हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह नुक्कड़ से नुक्कड़ मिलाकर हम इसको स्टिच करेंगे। फ्रेंड्स देखिए फाइनली मैंने स्टिच कर लिया है। देखिए जो रिक्टेंगल पीस था उससे हमने साइडों का कपड़ा, जो पट्टी थी 8 इंच की, उसको अटैच कर दिया है। तो देखिए कुछ इस तरह बना है। और अब ये हमारा इसके ऊपर देखते हैं चेक कर कर कि एकदम परफेक्ट है या नहीं भी। तो ये देखिए जी इस तरह इसको चढ़ाएंगे हम। तो ये हमारी लेस है वो नीचे की साइड आ जाएगी और ये कपड़ा है वो अंदर की तरफ। तो ये देखिए जी कितना अच्छा लग रहा है, एकदम फिट फिट आया है, ना टाइट है ना लूज है। अगर हम अच्छे से मेजरमेंट लेंगे, नाप लेंगे कोई भी चीज़ का, कोई भी बॉक्स का, तो इस तरह जी काफ़ी सारे ऑनलाइन भी बॉक्स आते हैं, तो उनके कवर भी हम बनाकर एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, बच्चों की बुक्स के लिए, अपने घर के ढेरों कपड़े रखने के लिए, हर तरीके से भी, किचन के लिए भी, छोटे मोटे सामान रखने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स वॉशेबल है, इसको हम वॉश भी कर सकते हैं। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और आप चाहो तो इसके अंदर कोई कार्डबोर्ड का पीस भी लगा लीजिए। और अब मैं आपको इसमें कपड़े कपड़े फील कर कर दिखाती हूँ। देखिए कितने सारे कपड़े इसमें आ जाते हैं, तो काफ़ी कपड़े आ जाते हैं फ्रेंड्स। और देखिए एक बॉक्स को न्यू लुक लुक मिल गई। और इस तरह घर में बहुत सारे बॉक्स होते हैं जो कि जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी लेस लग रही है और कितनी अच्छी फिटिंग इसकी आई है। कवर को हम मैला हो जाता है तो फिर से धो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय बाय।